हेलो गाइस दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो। गाइस यहाँ पर कक्षा 10वीं का हिंदी का गाइस पेपर आ चुका है। ये गाइस आपका यहाँ पर रियल पेपर नहीं है, ये गाइस आपका यहाँ पर हिंदी का मोटा पेपर है जो 256 द्वारा 2022 में जारी किया गया था। गाइस इस बार आपकी जो मोटा पेपर है वो गाइस आपके मोटा पेपर से यहाँ पर 30 नंबर का फंसने वाला है। तो आपको मोटा पेपर पूरे देखना है। 56 ने बता दिया है कि आपका मोटा पेपर से काफ़ी क्वेश्चन फंसेंगे वार्षिक पेपर में। तो आपको मोटा पेपर गाइस पूरे देखना है। और गाइस जो आपके यहाँ पर 18 फरवरी को गाइस हिंदी का पहला पेपर है, तो गाइस मैं आपको एक दिन पहले रियल पेपर दे दूंगा। तो गाइस आपको रियल पेपर कब मिलेगा? गाइस आपको रियल पेपर मिलेगा शाम को 7 बजे। तो गाइस आपको यहाँ पर रियल पेपर मिलने वाला है इस चैनल पर। तो आपको सिर्फ यहाँ पर चैनल को सही करना है और घंटे को गाइस प्रेस करना है और वीडियो को छोटा लाइक करना है। और गाइस जो आपके यहाँ पर जो मेडल पेपर 2022 का है, तो आपको वीडियो पूरा देखना, क्योंकि गाइस इससे आप 30+ नंबर फंसेगा। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। तो गाइस चलिए मैं आपको यहाँ हम पेपर आपका देख लेते हैं। तो गाइस आपके पहले यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, तो ये आपका पहला पेज है। फिर हम यहाँ पर आपके क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके दोस्तों पहले आते हैं सही विकल्प चुनकर रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए। तो गाइस आपके यहाँ पर सही विकल्प दिया गया है। पहला है कर्मवीर से डरते नहीं हैं। तो गाइस आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है। दूसरा श्री राम की कृपा से संसार की रूपी राति समाप्त हो गई है। तो गाइस आपके यहाँ पर सही यहाँ पर आपके आते हैं सही विकल्प, जो कि गाइस आपके यहाँ पर रिक्तस्थान है। तो आपके गाइस यहाँ पर 5 नंबर का रिक्तस्थान है। गाइस आपको वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आपका इससे 30-40 नंबर फंसने वाला है। गाइस यहाँ पर चमंडल ने बता दिया कि आपका इस बार यहाँ पर मोटा पेपर से काफ़ी क्वेश्चन फंसेंगे। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। और गाइस अगर आप इसका सोल्यूशन चाहते हैं, तो गाइस मैं आपका इसका सोल्यूशन डाल दूंगा। तो आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटे को गाइस प्रेस करना है। फिर गाइस आपकी आती है सही यहाँ पर सही विकल्प। तो आपके यहाँ से गाइस सही विकल्प 5 नंबर की आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला है श्री राम के उपासक है। फिर दूसरा आता है पूर्व और नूतन का जहाँ मेल होता है वही उच्च संस्कृति की भूमि है। आपका तीसरा दिया गया है यहाँ पर माटी वाली पाठ किस विधा में लिखी गई है? कहानी, एकांकी, निबंध, लेख। इस तरह आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। चौथा क्वेश्चन आता है स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो यहाँ पर गाइस आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है। पाँचवा आता है नवग्रह किस समाज का उदाहरण है? तो गाइस मैं इसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और कुछ यहाँ पर करना नहीं है। फिर आपका आता है यहाँ पर आपके साथ असत आते हैं 3 नंबर के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीसरा क्वेश्चन आपके साथ 5 नंबर के हैं आपके। तो पहला भारत देश संपूर्ण संसार को अपने आचरण से शिक्षा देने वाला विश्वगुरु रहा है। दूसरा आता सभी राम लक्ष्मण को बैठाने के लिए मृगशाल लाई थी। तीसरा आता हंसी मनुष्य के लिए वरदान है। और चौथा ओखली में सिर देना का अर्थ ओखली सिर पर रखना है। और पाँचवा चेतन का विलोम जड़ है। तो इस तरह से आपके सत असत हैं। तो इसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर आपकी हमें सही यूनिट आती होगा इस वीडियो पूरे देखिए, क्योंकि गाइस आपका 30-40 नंबर फंसेगा मोटा पेपर से। मैं आपको गारंटी देता हूँ। गाइस आपका रियल पेपर शाम को 7 बजे आएगा 17 तारीख को। तो आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपका रियल पेपर इसी चैनल पर मिलेंगे। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के गाइस आपको रियल पेपर इसी चैनल पर मैं अपलोड कराऊंगा सोल्यूशन के साथ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी यहाँ पर सही यूनिट आती हैं। फिर गाइस आपके आते हैं एक वक्त में उत्तर, तो आपको देखना है इनको अच्छी तरह देखते जाइए। फिर आपके आते हैं 6वां क्वेश्चन, हमें दुराग्रह क्यों छोड़ जाना चाहिए? फिर गाइस अथवा में दिया गया संयुक्त परिवार का प्रतीक प्रस्तुत एक अंगी में किसे बताया गया? ये आपका 2 नंबर का। 7वां क्वेश्चन आता समाज न मिलने का बहाना और अथवा दिया गया माटी वाली के भरण पोषण का आधार क्या है? ये आपके 2 नंबर प्रश्न है। तो गाइस इसका जैसा यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा ही गाइस आपका पेपर वार्षिक पेपर का भी बनने वाला है इसी तरह का। तो गाइस आपको यहाँ पर ये भी पता चल जाएगा किस तरह यहाँ पर पेपर बनेगा और किस तरह के कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो गाइस आपको इससे काफ़ी अनुभव मिलेगा, तो आप देखते जाइए। 8वां आता कहानी की 6 तत्व लिखिए अथवा दिए गए निबंध की प्रमुख प्रकार लिखिए। और 9वां आता एकांकी और नाटक कोई दो अंतर लिखिए अथवा दिए गए उपन्यास की कोई दो विशेषताएं लिखिए। 10वां संधि की परिभाषा लिखते हुए संधि के प्रकार लिखिए अथवा दिया गया स्व संधि के भेदों के नाम लिखिए। 11वां आता निम्नलिखित शब्दों की विलोम शब्द लिखिए उत्तीर्ण प्रेम अथवा दिया गया निम्नलिखित शब्दों की दो परिभाषित शब्द लिखिए अहंकार आकाश। तो गाइस आपके यहाँ पर मैं इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और गाइस जितनी भी आपके सब्जेक्ट के गाइस पेपर होने वाले हैं संस्कृत समाज विज्ञान हिंदी और इंग्लिश, गाइस मैं आपको सभी सब्जेक्ट के गाइस रियल पेपर अपलोड कराऊंगा। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। गाइस आपको पूरे पूरे नंबर आएंगे अगर गाइस आप चैनल के साथ जुड़ जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। 12वां आता समाज कितने प्रकार के होते हैं नाम लिखिए और वाक्य के भेद लिखिए। 3वां दिया है वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पहला दिया है सबसे आगे रहने वाला जिसका पता ना हो, तो गाइस आपके यहाँ वाक्यांश है आपको इसके लिए एक शब्द लिखना है। अथवा दिया गया आपका अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। पहला दिया गया नौकाएं नदी में तैर रही हैं और दूसरा महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा।
चौदवा आता है मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पहला दिया गया फूला ना समाना, और दूसरा अंधी की लाठी, और अथवा आता है निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए, आप मेरे साथ आओगे। तो वैसे आपको इस वाक्य को यहाँ प्रश्न नंबर वाचक वाक्य में कन्वर्ट करना है। तो आपको यहाँ पर ऐसा बना लेना, मैं बता देता हूँ आपको यही पर आंसर, क्या आप मेरे साथ आओगे। इस तरह से आपको यहाँ पर आंसर कर लेना है। दूसरा आता शिव कल ऊपर गया था, निश्चित वाचक आपको यहाँ पर बनाना है। तो पंद्रवा आता, तो हम पंद्रवा क्वेश्चन दिखने वाले हैं, तो अब अच्छी तरह से क्वेश्चन देखते जाइए। और वैसे मैं आपको सोचा पीडीएफ साइज दे दूँगा, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना, इसका सोचा आपको पीडीएफ साइज मिल जाएगा। और वैसे अगर आप इस पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको वैसे टेलीग्राम की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, तो जैसे ही आप टेलीग्राम लिंक क्लिक करेंगे तो आपको टेलीग्राम में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पंद्रह क्वेश्चन आता है, तो निम्नलिखित शब्द में युजक चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो आपको युजक चिन्ह का प्रयोग करना है यहाँ पर लड़ाई झगड़ा माता पिता में, तो बीच के बीच आपको यहाँ पर लगा देना चिन्ह, अथवा आता है मुहावरे और लोकोक्ति में कोई दुआंतर लिखिए। तो ये आपका काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। और सोलमा आता, तुलसीदास जी ने परम हित किसे माना, अथवा दिया गया किसी भी कार्य को बीच में न छोड़ने से क्या लाभ होता है। तो सत्रवा आता, कर्मवीर मनुष्य की विशेषता बताइए, अथवा प्रकृति में हमें क्या क्या प्रदान किया है बताइए। अठारहवा आता, वर्षा की प्रतीक्षा सभी प्राणियों को क्यों रहती है, वसुदेव सभी ने राम लक्ष्मण का सत्कार कैसे किया। 19वां दिया गया, उन्नत देश में कौन से दो कार्य एक साथ संभालते, और अथोदेश सरस्वती पत्रिका संपादन कार्य द्विवेदी जी को किस प्रकार प्राप्त हुआ है। और आपका 20वां आता, सूखी डाली एकांकी का केंद्रीय भाव लिखिए। फिर आपको इसका अथवा क्वेश्चन दिया गया, अथवा क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो अथवा आपका यहाँ पर दिया गया प्रसन्न व्यक्ति का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। 21वां आता, सभा सम्मेलनों के समय संबंध में क्या देखा जाता, अथवा दिया गया टिहरी शहर में माटी वाली का रहना जरूरी क्यों था। आपके इस तरह से 21वां क्वेश्चन तक मैंने करवा दिया। आपका 22वां क्वेश्चन आता है, वैसे आपको ये भी पता चल जाएगा किस यहाँ पर कितने क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे पेपर में, और वैसे हमें किस रफ्तार से यहाँ पर पेपर करना होगा जिससे हमारा समाज के अंदर ही पेपर हो जाए। 22वां आता, जागी फिर से सोई पीड़ा से कभी का क्या आशा, अथवा दिया गया भाव सौंदर्य लिखिए, अंजन कहाँ आँख जय ही फूटे। 23वां आता आपका, 23वां क्वेश्चन है, 23वां क्वेश्चन आपका, पृथ्वी और नारी को समाजशील क्यों कहा गया है, अथवा आता है कश्मीर के बारे में पौराणिक और ऐतिहासिक कौन सी बातें कही गई हैं। आपके यहाँ पर आता है 24वां क्वेश्चन, तो हम इसको देखने वाले हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है। तो वैसे आपको यहाँ पर जो यहाँ पर पदार्थ दिए गए हैं, तो वैसे काफ़ी मोस्ट पदार्थ है, आपको इसी में से एक पदार्थ फंसने वाला है आपके हिंदी पेपर में। तो आप यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित पदार्थ की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, तो आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। पहला दिया गया, तो पहला देख सकते हैं कि, और दूसरा दिया गया मन मोहिनी प्रकृति जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है, जिसका चरण निरंतर रत्नेश घूर रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। तो इस तरह से आपके यहाँ 24वां क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन आपको 25वां आता है, 25, तो हम इसको देख लेते हैं। अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न को उत्तर लिखिए। तो वैसे आपको यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, अपठित गद्यांश दिया गया आपको, तो वैसे आपको इसे ध्यान से पढ़ना अच्छी तरीके से। फिर जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे तो आपके यहाँ पर आपको इसका शीर्षक लिखना है। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, किस काल से हिमालय को पवित्र पहाड़ माना जाता है। अगर इसे आपको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसको यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आपको इसी में आंसर मिल जाएगा, और तीसरे क्वेश्चन का भी आपको इसी में आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो वैसे आपको ये यहाँ पर ट्रिक रहती है, आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको तीनों क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर मिल जाएंगे। तो वैसे आपके यहाँ पर 5 नंबर वो तैयार रहते हैं, आपको ना यहाँ कुछ याद करना पड़ता है, आपको सब यहीं पर दिया जाता है, तो आपके 5 नंबर यहाँ पर तैयार रहते हैं। तो वैसे हम आपके 26वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर नीचे लिखिए। तो वैसे ये भी उसी तरह का है, तो आपको इसी अच्छे से पढ़ना है और समझना है, और फिर गाइस आपको यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर लिखना है। ये आपको 5 नंबर का गाइस, ये आपके यहाँ पर यानी कि गाइस ये रहता है कि आप यहाँ पर कुछ आपको याद भी नहीं करना पड़ता है, वैसे धीरे धीरे आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। 27वां क्वेश्चन आता है, तो हम ये देखने वाले हैं आपका, शाला के प्राचार्य को स्थानांतरण पत्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अभिनय पत्र लिखिए, अथवा दिया गया मित्र कोई एक बधाई पत्र लिखी जिसमें उसने कक्षा 10वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की हो। तो वैसे आपको यहाँ पर पहले गाइस दिया जो क्वेश्चन दिया गया 27वां में, तो आपको दोस्तों प्राचार्य को स्थानांतरण पत्र के लिए यहाँ पर पत्र लिखना है, और यहाँ पर अथवा दिया गया आपको मित्र को बधाई पत्र लिखना है। गाइस आप 10वीं यहाँ पर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए हैं, तो अपने मित्र को बधाई पत्र लिख सकते हैं, तो कोई भी कह सकता है जो आपसे बनता है। फिर आप 28वां आता है, लेकिन मैं किसी एक विषय पर सारा निबंध लिखी है। तो वैसे हमारा
आगे पांच विषय दिए गए हैं, विद्यार्थी अनुशासन, पर्यावरण प्रदूषण, और तीसरा स्वच्छता अभियान, और चौथा वैज्ञानिक अभिशाप, पाँचवा खेलों का मात। तो भाई आपके यहाँ पांच विषय दिए गए हैं, तो कौन जौन से भी आपको याद हो, जौन से आपसे बनता हो लिखते, तो उस विषय पर आप यहाँ पर लिख सकते हो। ये आपका गाइस 7 नंबर का, और गाइस इसी के अंदर आपका क्वेश्चन 12 था, 28 नंबर के अंदर आपका 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखिए। तो आपको रूपरेखा लिखना है, आपके पांच यहाँ पर विषय दिए गए हैं, जनसंख्या वृद्धि, वृक्षारोपण दिया गया है, और मेरा देश महान है, और खेल जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, साहित्य और समाज। तो गाइस आपके यहाँ पाँच विषय दिए गए हैं, तो कोई भी विषय पर आप यहाँ पर रूपरेखा लिख सकते हैं। अगर आप इसे अच्छी तरह से यहाँ पर कम्प्लीट कर लेते हैं निबंध को और रूपरेखा को, तो गाइस आपके 10 नंबर यहाँ तैयार हो जाएंगे। तो गाइस इस तरह से मैंने आपका यहाँ पर मोटा पेपर जो 2022 का था, तो यहाँ पर सच्चा मंडल जारी किया गया था, मैंने आपको पूरा पूरा दिखा दिया। और गाइस इसका सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा पीडीएफ साइज। गाइस आपके जो मोटा पेपर है, इसे काफ़ी क्वेश्चन फंसने वाले हैं, जो आपका 18 तारीख को हिंदी का गाइस पेपर होने वाला है, तो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर फंसने वाले हैं। और गाइस जो आपका यहाँ पर हिंदी का गाइस पहला पेपर है, तो गाइस मैं आपको यहाँ पर 17 तारीख को 7 बजे आपको यहाँ पर रियल पेपर दे दूंगा पीडीएफ साइज। वो गाइस आपको साफ साफ दे यहाँ पर मैं पीडीएफ देने दूंगा रियल पेपर का। तो सिर्फ आपको यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी को गाइस प्रेस करना, क्योंकि जब भी आपका रियल पेपर डलेगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी, और आप जल्दी से उसे पेपर को याद कर पाएंगे। तो आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी सोल्यूशन के साथ। ज